दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें से पहली खबर भारत में बन रहे एक विध्वंसक 500 किलोग्राम वजनी बम को लेकर है, जो कि परमाणु बम के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसके एक वार से बड़े एयरबेस शहर दर शहर को भी तबाह किया जा सकेगा। और दूसरी बड़ी खबर F-16 को मार गिराने को लेकर है, जिसके चलते अब युद्ध की आग भपक उठी है। अब जंग की शुरुआत होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। F-16 अमेरिका के द्वारा बनाया गया लड़ाकू विमान है। किसने मारा है, किस स्थान पर गिराया गया है, ये सब हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं DRDO के द्वारा बनाए जाने वाले उस विध्वंसक बम के बारे में, जिसका मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है। दोस्तों भारत के दुश्मन देश की सीमाओं से लगे इलाकों पर लगातार बंकरों के निर्माण की खबरें आ रही है। LAC सीमा पर चीन और LOC सीमा पर पाकिस्तान भारत पर युद्ध की फिराक में अपनी सेना में इजाफा कर रहे हैं, और इन बंकरों के निर्माण को टारगेट करने के लिए किसी ताकतवर विध्वंसक बम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए DRDO काफी दिनों से रिसर्च कर रहा था। और अब इस रिसर्च में DRDO को सफलता मिल चुकी है और बहुत ही जल्द DRDO इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाला है। यह बम कितना खतरनाक होगा, इसके फीचर्स के बारे में जानकर आप बखूबी अंदाजा लगा पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसके एक बम में 15 mm के 10,300 गोले स्टील के होंगे। विस्फोट के बाद हर एक गोले 50 मीटर तक टारगेट सेट करेगा। खास बात यह है कि यह गोला 12 mm की स्टील प्लेट को भी भेज सकेगा। 500 किलोग्राम वजनी बम की लंबाई 1.9 मीटर की होगी। इन बम का डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि इनको जगुआर और सुखोई 30 पर भी अपलोड किया जा सकेगा। जाहिर है हिंदुस्तान की शक्ति बढ़ाने वाला यह बम जब दुश्मन पर बरसेगा तो उन पर काल बनकर टूटेगा। अब यह कितना खतरनाक हो सकता है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका एक गोला 50 मीटर तक टारगेट करेगा, जबकि एक बम में 10,300 गोले हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ, जो कि चीन के लिए बहुत ही टेंशन बढ़ाने वाली खबर होने वाली है। चीन जिस तरीके से दूसरे देशों पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, उससे चीन के साथ कब युद्ध का आगाज हो जाए कोई कह नहीं सकता। चीन का केवल भारत के साथ ही नहीं बल्कि ताइवान और अमेरिका के साथ भी लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ये तनाव F-16 को मार गिराने के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल ताइवान की वायुसेना F-16 लड़ाकू विमान को हवा में तैनात करके युद्ध अभ्यास कर रहे थे, और यह युद्ध अभ्यास दक्षिण चीन सागर के नजदीक चल रहा था। इस लड़ाकू विमान से पायलट अपने टारगेट पर निशाना साध रहा था, तभी 30 मिनट से आसमान में उड़ रहे इस F-16 विमान से कम्युनिकेशन टूट जाता है और अचानक आसमान में उड़ रहा लड़ाकू विमान गायब हो जाता है। अमेरिका के द्वारा ये F-16 विमान एक बेहद ही मॉडर्न विमान माना जाता है, और यह किसी घटना का शिकार हो जाए इस बात को अमेरिकी वैज्ञानिक हजम नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि F-16 का क्रैश हो जाना पूरी तरह से नामुमकिन है। उधर जानकारों का मानना है कि ताइवान और चीन के बीच इससे युद्ध की जंग का आगाज हो चुका है। दरअसल 30 मिनट से आसमान में उड़ रहे F-16 लड़ाकू विमान के पायलट के द्वारा न तो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की शिकायत दर्ज कराई गई थी और न ही किसी घटना का मैसेज आया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अचानक विमान में तकनीकी खराबी भी होती है, तो पायलट के पास पैराशूट के जरिए नीचे कूदने का ऑप्शन होता है, लेकिन अभी तक ना तो पायलट का कुछ पता चला है और ना ही F-16 लड़ाकू विमान का। दक्षिण चीन सागर में इसकी अभी खोज की जा रही है। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी नौसेना को खुली छूट दे रखी है कि किसी भी दुश्मन के जंगी बेड़ा चाहे समुद्र में दिखे या फिर आसमान में नजर आए, उन पर किसी भी देरी के उन पर अटैक कर देना है। ताइवान जहां पर युद्ध अभ्यास कर रहा था, वहां से कुछ ही दूरी पर चीनी नौसेना के जंगी बेड़े भी तैनात थे, जिन पर मिसाइलें भी अलर्ट मोड पर थी, जिसके कारण ताइवान की वायुसेना को यह शक है कि F-16 पर चीन ने अपनी मिसाइलों से अटैक किया है, जिसके बाद ये F-16 लड़ाकू विमान क्रैश होकर समुद्र में गिर गया है। ताइवान की वायुसेना और कोस्ट गार्ड के जरिए सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस घटना के बाद ताइपे से लेकर पेंटागन सभी अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं। चीन जिस तरीके से पेश आने लगा है, इससे तो ये स्पष्ट हो चुका है कि चीन की गुस्ताखी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करा सकती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।